वेलकम टू अलियन केमिस्ट्री रिवीजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इफेक्टिवली कैसे रिवाइज किया जा सकता है, वो भी कंप्लीट सिलेबस, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक लिमिटेड टाइम, 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज किया जा सकता है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस है, यानी IIT जो कंडक्ट करती है वहाँ का सिलेबस मैं लेकर आई हूँ। और हमने इन्हीं सिलेबस को क्या किया है, कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, जब हमें किसी चीज़ की रिविजन करनी है, वट वी नीड, हमें क्या बुक से रिवाइज करना है, हमें क्या अपने क्लास नोट से रिवाइज करें, या किसी शॉर्ट नोट से, या प्रीवियस ईयर पेपर से। सो ये सब की हमें ज़रूरत है, या हम इनके बिना भी रिवीजन कर सकते हैं, या इनमें से किस किस की ज़रूरत होने वाली है रिवीजन के टाइम। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ यूनिट्स बना दी। सपोज दिस इज द यूनिट नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो। यूनिट नंबर 2 में रखा है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन। यूनिट नंबर 3 क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री। एंड द लास्ट यूनिट एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। जब आपको रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लिए आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बुक्स को पढ़ा ही नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट बुक क्लेडन, आपने देखा तक नहीं होगा क्लेडन को, पर स्टिल जब आप रिवीजन कर रहे हैं आपको बुक को देखना पड़ेगा कुछ यूनिट्स में। तो चलिए मैं आपको, बिकॉज बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताऊंगी इफेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हैं। बुक भी रीड हो जाएगी अगर आपने पहले नहीं रीड कर रखी है, और क्लास नोट्स भी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यूनिट नंबर 1 की बात। यूनिट नंबर 1 में मेरे पास एक चैप्टर आता है, यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, रेजोनेंस इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, एसिड बेस प्रॉपर्टी। इसको मैं एक पार्ट बोल देती हूँ, यूनिट 1 का पार्ट नंबर ए। ये जो आपको पार्ट नंबर ए, दिस इज द पार्ट ए, पार्ट ए को आप रिवाइज करेंगे अपने क्लास नोट से। आपके पास आपके नोट्स अवेलेबल होंगे जो भी आपने टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है, या आपने कहीं से भी किताब से पढ़कर बनाए हैं, जो आपके क्लास नोट्स हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 70-80 पेजेस के होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए को आप इस तरह से रिवाइज करें, सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज कर ले। हालांकि उसमें क्वेश्चंस हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो होना चाहिए था क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन अ कंपाउंड विद एंड विदाउट एनी स्टीरियो सेंटर, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट, यानी जो आपका पार्ट बी है यूनिट 1 में, स्टीरियो केमिस्ट्री आप इसे बोल सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री को रिवाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने क्लास नोट्स को फटाफट रिवाइज कर लें, एक दिन में आराम से ये रिवाइज हो जाएंगे। क्लास नोट्स को रिवाइज करने के तुरंत बाद आपको PYQs लगाना चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के, वो आपको करने हैं। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आपको नीड है PYQs करने की, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है। इफ़ यू सॉल्व, अगर आप उन्हें सॉल्व कर पाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाए तो फिर से अपने क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ें। कोई बुक की ज़रूरत नहीं है अगर आप बेसिक इन कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या स्टीडियो को पढ़ रहे हैं। ये रिवीजन के लिए मैंने बोला है कि रिवीजन में पार्ट ए यानी GOC का, जिसे हम कहते हैं GOC को, आप अपनी क्लास नोट से रिवाइज करें, दैट्स इनफ। पार्ट बी का मतलब है कि आपकी स्टीरियो को रिवाइज करने का सबसे बेहतर तरीका है अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करो और फटाफट अपने PYQs को लगा लो। PYQs अगर आपको चाहिए तो यहाँ ऊपर आई बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ पर इस वीडियो को क्लिक करना, आपको पिछले 10 साल के PYQs मिल जाएंगे। ओके, सो ये बात रही यूनिट 1 की, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आती है यूनिट 2 एंड द मेजर पोर्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IIT JEE में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक के सवाल यहाँ आएंगे, और यही मुझे आपको मेन बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यूनिट्स बन जाती हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ये पूरी की पूरी एक यूनिट है, यानी पार्ट ए बन गया। दिस इज द पार्ट ए, जिसका नाम आप बोलते हो बच्चा रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये आपका एक चैप्टर बन जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसे कैसे पढ़ना है, इसको मैं अभी आपको रिवाइज कैसे करना है बताती हूँ। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दैट रीअरेंजमेंट, एंड ये सभी नेम रिएक्शन पर्टिकुलर, इसका नाम रखें। नेक्स्ट आप इसमें पार्ट जो बी आता है, पार्ट बी में आप आ जाएगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। पार्ट बी में आप एक मेंशन कर दें, दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लियर। उसके बाद एक इसके अंदर वो आपको शो नहीं कर रखा है, पार्ट सी भी होता है जिसका नाम होता है रिएजेंट चैप्टर, वो यहाँ पर शो नहीं है, हालांकि उसके बहुत सारे सवाल, मतलब टॉपिक्स इसमें आए हुए हैं।
यहाँ ऐसे लिख रखा है उन्होंने, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स ये लिख रखा है, देखो यहाँ लिख रखा है सिर्फ इतना पोर्शन लिख रखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ग्रिगनार्ड, ऑर्गेनिक लिथियम, ऑर्गेनिक कॉपर वगैरह जो भी। एक और है इसके अंदर पार्ट डी जिसका नाम है नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन। इस पार्ट से सबसे ज्यादा इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं। एक पार्ट और मुझे यहाँ नजर आ रहा है जिसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो मुझे इन सबको रिवाइज करने के लिए आपको बताना है, आपको बहुत दिक्कत आ रही होगी रिवीजन करने में कि कैसे रिवाइज किया जाए। तो मैंने कुछ यहाँ पर सेक्शन डिवाइड कर दिया, और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर इतने ही पार्ट बनते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट को कैसे रिवाइज किया जाए, रिएजेंट को कैसे रिवाइज करें, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक। देखिए सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात आती है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप अगर मेरी माने तो थोड़ा बुक से रिवाइज कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बुक्स और अपने शॉर्ट नोट। अगर आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं इस चैप्टर के तो अच्छी बात है, बुक एंड शॉर्ट नोट इज इनफ फॉर दिस। आप रिएक्शन इंटरमीडिएट से अपनी बुक और शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे। बुक से कैसे पढ़ना है दो मिनट में आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। दूसरी बात आती है रिएजेंट को कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे रिवाइज करना है। यहां लिख रखा है न्यूक्लियोफिलिक, ओनली एंड ओनली बुक, सिर्फ और सिर्फ बुक लगाएं, ओनली एंड ओनली बुक से आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। बताती हूँ बुक से कैसे रिविजन करना सबसे बेस्ट है। रिएजेंट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स लगाएं बच्चा, क्लास नोट्स के साथ अपने शॉर्ट नोट को रिवाइज कर लें, क्लास नोट और शॉर्ट नोट को रिवाइज कर लें, ये सफिशिएंट है फॉर द रिएजेंट। क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको पता है आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैंने एक एक चार्ट दे रखा है, उससे आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है नेम रिएक्शन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनली एंड ऑनली बुक, इसके लिए भी आप सिर्फ और सिर्फ बुक लगाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट। लास्ट इज योर पेरिसाइक्लिक, ऑनली एंड ऑनली योर क्लास नोट्स, आप अपने टीचर के क्लास नोट्स को पढ़ लो, इट्स इनफ, इनफ है, क्लास नोट्स के साथ PYQ लगा लो, ये रिविजन करने के लिए मोर देन सफिशियंट है, बहुत ही बेस्ट, मतलब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही बेस्ट होगा क्लास नोट और PYQ। अब ये तो मैम ठीक है, क्लास नोट्स हमारे पास है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, एक दिन में हो जाता है, शॉर्ट नोट को एक दो घंटे में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ भी क्लास नोट्स को हम एक दिन में पढ़ लेंगे। PYQ आपने बताई दी, अब वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PYQ उसके लिए। प्रॉब्लम इज यर कि पूरी की पूरी बुक, और वो भी क्लेडन होगी, ब्रूसी होगी, या आपकी कैरेथर्स होगी, इतनी मोटी मोटी किताब को मतलब कैसे रिवाइज किया जा सकता है। मैं आपको बहुत ही बेस्ट बात बताने जा रही हूँ, दिस इज द इसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महामंत्र, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महामंत्र है ये। जैसे यहाँ नेम रिएक्शन, आप अपने सिलेबस को पढ़ें, सिलेबस में क्या लिख रखे हैं, पर्टिकुलर रिएक्शंस के नाम दे रखे हैं, आपको क्या करना है, मैंने इसीलिए यहाँ पर क्लेडन बुक को ओपन कर रखा है, सी दैट ये मेरी और ये बुकशेल्फ है, अलका रानी बुकशेल्फ, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने क्लेडन बुक है, दिस इज द क्लेडन बुक, इसे क्लिक करें, मैंने क्लेडन का ही बताया स्पेशल अभी, तो क्लेडन को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो मेरे पास क्लेडन बुक में यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, ठीक है, एक सेकेंड रही। सो यहां मैंने कुछ चैप्टर्स को ऑलरेडी मार्क कर रखा है, आप एक देख सकते हैं, एक पर मैंने एक बार हाईलाइट लगाया, लाइक यहां एक बार हाईलाइट लगा रखा है, यहां पर दो बार हाईलाइटर का यूज कर रखा है। तो यहां वो चैप्टर्स के नंबर मेंशन कर रखे हैं हमने, जैसे आपको अगर क्लेडन से रिवाइज करना है, मान लो मैंने यहां सिलेबस में आपको बताया, दिस इज द सिलेबस फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, आपके सिलेबस में मेंशन है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैम में सिलेबस को तो डेफिनेटली करना है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या करें, क्लेडन या कोई भी बुक देखें। अब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कितने चैप्टर बना रखे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल, हमें सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनिल कार्बन, तो आप क्या करें, क्लेडन की बुक में चैप्टर नंबर 10 निकालें और उसको एक बार पढ़ लें। उसको पढ़ने में मात्र आपको कितने घंटे लगने चाहिए, 4 घंटे, 4 आवर्स बस सफिशियंट है, एक दिन में आप 4 घंटे अपने लिए निकाल सकते हो, 4 घंटे इसे पढ़े। इसको पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा, अपने जो क्लास नोट्स है, मैंने वहां इसीलिए मेंशन नहीं किया, आपको वहां पहले अपने क्लास नोट्स को रिवाइज करना होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक आपको कॉपी में आपने बना रखा होगा, उस टॉपिक को फटाफट रिवाइज करें, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स में आप इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, और उसके बाद सीधा अपनी किताब पर आ जाएं, क्लेडन बुक में 197 पेज ओपन कर लें। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अगर आपको शो करती हूँ, दिस इज 405, क्योंकि देखो बच्चा क्लेडन से सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आपने देखा होगा, मैं आपको जो सबसे मेन बात बताने वाली हूँ
197, जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर निकाला, मतलब मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेती हूँ, चलो अभी दिखाई देती हूँ, 197, क्या हो गया इसको, सो यहां पर आई थिंक, अरे 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 ये तो इसने गलत कर दिया, ठीक है चलो अभी हमें यही देखना पड़ेगा। हाँ ये आ गया, सही आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द कार्बोनिल कार्बन हमें बता रखा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसने कुछ चीजें बता रखी है, आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको यहाँ ये जो लिख रखी है ना बच्चों, मैं आपको इसलिए ये मेंशन कर रही हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ जो आपको मेन जो जिस पर फोकस करना है ये साइड्स में जो लिखा होता है, ये जो इसने रिएक्शन दे रखी है ना, डायरेक्ट पेपर में पूछ रहा है ये, डायरेक्ट ये जो यहाँ जितनी भी रिएक्शंस दे रखी है, इन रिएक्शंस को आपने पढ़ना है, जो कोई भी यहाँ रिएक्शन पूछी गई है उसको अपनी कॉपी पे बनाकर देखो क्या आप कर पा रहे हो। मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको बार बार, ये रिएक्शंस बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्लेडन के चैप्टर में यहाँ लिखी है, जैसे उन्होंने ये रिएक्शन करा रखी है, ठीक है, एनहाइड्राइड स्टार्टिंग में अल्कोहल स्टार्टिंग मटेरियल, उसके बाद उसका एस्टर बना दिया, कैसे बनाया, ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो आप इन रिएक्शन को बहुत अच्छे से देखें, जैसे ये रिएक्शन है इसके अंदर इथाइल, क्योंकि पेपर में यही आएगी, डेफिनेटली यही आएगी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पूरी की पूरी किताब को पढ़ो ना, इतना टाइम आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि जो भी आपकी बुक है यहाँ पर, जैसे मैंने एक अभी ना थोड़ी देर पहले एक मैंने हाईलाइट किया था, अब तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पे मैनिक रिएक्शंस का था वो, मैं एक मिनट सर्च कर लेती हूँ, आप ऑनलाइन ही तो पढ़ेंगे, अगर आपके पास वैसे है तो अच्छी बात है। अब देखो ये देखो, मैंने यहां पर इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया था, जैसे मेरे सिलेबस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट, चलो ये तो सिंथेसिस में आ गया यहां पे, कोई बात नहीं। देखो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ ये जितनी भी नेम रिएक्शंस आपको नजर आ रही है ना बच्चों, जितनी नेम रिएक्शंस नजर आ रही है, फोकस इस बात पर ध्यान रखें, यहाँ से ये जितनी स्टार्ट होती है, होफमन कर्टस लूजन रीअरेंजमेंट, हालांकि मैंने आपको इनको कॉपी में करा रखा है, तो आपको क्या करना होगा, इनको पहले एक बार मेरी कॉपी से पढ़ना है, जैसे रायमन टाइमन होगी या माइकल रिएक्शन होगी, डार्जिन रिएक्शन होगी, विटीग रिएक्शन होगी, पहले मेरी कॉपी से पढ़ो, उसके बाद जाकर क्लेडन की बुक में देखो, जैसे मैकमरी रिएक्शन है, पिनाकोल अरेंजमेंट है, फेवरस की बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट है, हर नेम रिएक्शन को बार बार इंटीग्रेट कर रही हूँ आपको ये बात, ये जितनी नेम रिएक्शन है, रिफार्मेस की रिएक्शन है, ये कोई भी टाइप की रिएक्शन है, पर्टिकुलर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजन में नाम दिया है कि आपको ग्रिगनार्ड ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनो कॉपर ऑर्गेनो जिंक पढ़ना है, तो जो इसने यहां दे रखा है ना, स्पेशल मेंशन किया, आपको अपनी किताब से वही पढ़ना है, ठीक है, आपको अपनी किताब से वही पढ़ना है। एक सेकेंड, मैं आपको अभी शो भी कर दूं, अगर ये मुझे यहां पे मिल जाए, क्योंकि मैनिक रिएक्शन का काफी यूज है, शायद यही थी वो हाइलाइटर वाली, मैंने इसीलिए हाईलाइट भी किया था उसको, एक मिनट देखो कितना यूज है एक मैनिक रिएक्शन का, देख रहे हो ना, हाँ यहाँ देखो, ये जैसे एग्जामिनर ने आपके सिलेबस में लिख रखा है मैनिक रिएक्शन, तो मैनिक रिएक्शन की स्टार्टिंग यहां पर होती है, आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा रखा है आपको, आपको सिर्फ यहां जो ये नजर आ रहा है ना, ये वाली थिंग, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, मतलब कैसे, अगर आपको आता है, वैसे आपने यही पढ़ रखा है ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। मैनिक रिएक्शन के नीचे कैंजैरो रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो कैंजैरो के नीचे जो उसने एग्जाम्पल दे रखा है आप वही एग्जाम्पल करें, आप पेपर में यही आएगा बच्चों, आपको यही एग्जाम्पल करना है, जैसे उसने एक रिएक्शन यहां पर लिखकर दे दी 85% यील्ड है, ठीक है, उसने रिएक्शन लिख कर दे दी, तो इस रिएक्शन को देखो, पेपर में यहीं से बनते हैं, ये क्वेश्चन लगा दिया, ये तो मैंने मैंने देखा हुआ है, गेट के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन, ये पेपर में गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, अभी थोड़े दिन पहले करा रही थी आपको, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, अभी कराया मैंने ये आपको 500 PY की जब मैं करा रही थी, तो वहां पर आया हुआ है ये क्वेश्चन,
मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, इन टॉपिक्स को जाकर बुक से पढ़ लो बस। बताया है मैंने यूनिट नंबर 2 से आपको सारा का सारा आईआईटी जैम का पेपर यूनिट नंबर 2 से मिलेगा, जिसमें पार्ट ए जो आपका था रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसे आप बुक से पढ़े। बुक में मैंने चैप्टर मेंशन कर दिया है, मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ वो चैप्टर की लिस्ट। आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना कि चैप्टर मैंने मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे एक सेकेंड, यहाँ आपका जैसे ये मेंशन हुआ हुआ है, ये सारे चैप्टर मैंने मेंशन इसीलिए कर रखे हैं। अच्छा, रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए भी कर रखे हैं। चैप्टर नंबर देख लेना कि किस किस को हाईलाइट कर रखा है, डबल हाईलाइट कर रखा है। यहाँ से क्वेश्चन आया इस बार एग्जाम में, यहाँ से आईआईटी जैम 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आया सिंथेसिस का। तो सिंथेसिस को एक बार पढ़ लेना, क्या दिक्कत है, सिंथेसिस तो देखनी है एक बार, पालक नूर सिंथेसिस कराती हूँ मैं आपको, है ना। उसके बाद आपके पास जो आया हुआ, कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने हैं जिनकी जरूरत नहीं है। ये देखो कार्बिन आया होगा यहाँ पे, ये आ गया रेटिकल की रिएक्शन, कार्बिन की रिएक्शंस, ठीक है। साइक्लोएडिशन पढ़ो, सिग्मा ट्रॉपिक और इलेक्ट्रोसाइक्लिक कहानी खत्म, पेरीसाइक्लिक में और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के कुछ रिएजन की जरूरत है, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का आई थिंक मैंने ऊपर मेंशन कर दिया होगा, एक बार मैं देख लेती हूँ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का अगर पहले हो गया है रिएजन में, क्योंकि उसकी जरूरत थी ना। हाँ ये रहा, ये देखो यूज द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, इस चैप्टर के रिएजेंट्स को एक बार देख लेना। पर्टिकुलर कौन से रिएजेंट पढ़ने हैं, हमें पढ़ने कौन से रिएजेंट है, सिर्फ ये वाले। इसमें मेंशन है ऑर्गेनोलिथियम की 6-7 रिएक्शन, ऑर्गेनो कॉपर की 6-7 रिएक्शन, ऑर्गेनो जिंक की, बस कहानी खत्म। रिफॉर्मेस की रिएक्शन हो जाएगी, ये आप इसमें भी पढ़ते हैं नेम रिएक्शन में। सो ये सबसे बेस्ट है रिविजन करने का तरीका, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। देखो अगर आप ट्राई करते हो रिएक्शन इंटरमीडिएट बुक्स और शॉर्ट नोट, एक दिन हार्डली टू हार्डली एक दिन आपको लगेगा। पहले अपना जो शॉर्ट नोट होगा उसको पढ़ लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपने जरूर इसको ऐसे बना रखा होगा, एक कार्बोकेटायन का शॉर्ट नोट, एक कार्बोएनायन का, एक बेंजाइन का, एक फ्री रेडिकल का, एक कार्बिन का, एक एक या दो दो पेज के शॉर्ट नोट होंगे, उनसे सारी कहानी याद हो जाती है। उसके बाद बुक में जो आपके टॉपिक यहाँ मेंशन कर रखे हैं इनको एक बार देख लेना। इसी तरह पार्ट बी में रिएक्शन मैकेनिज्म की बात है, तो सीधा आप क्या करें, पहले अपने क्लास नोट को पढ़ लेना। क्लास नोट को पढ़ने के बाद आपको क्या करना होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, मैकेनिज्म देखना, इनकी कहानी खत्म। रिएजेंट में स्पेशल मेंशन कर रखा है उसने, यहां पर आप देख सकते हैं रिएजेंट में उसने कर रखा है सिर्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑर्गेनोमेटेलिक। तो क्लास नोट और शॉर्ट नोट बुक की शायद इतनी जरूरत भी ना पड़े, पर हाँ जब उसने मेंशन कर दिया ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोकॉपर, ऑर्गेनोजिंक, तो आपको करना चाहिए एक बार किताब से, ठीक है। टाइम है, इतना टाइम है, देखो एक दिन इसमें लगता है, दो दिन इसमें लगता है रिएजन के चैप्टर में, दो दिन आप मानकर चले रिविजन में। रिएक्शन मैकेनिज्म के दिन आप दो दिन मानकर चले इसके लिए भी, ठीक है। नेम रिएक्शन में आपको 4 दिन लग जाते हैं, 4 डेज लग जाते हैं, क्योंकि इसको बुक से एक एक रिएक्शन के आसपास, क्लेडन बुक में आसपास जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं सबको करने में 4 दिन मानकर चले। फिर पेरीसाइक्लिक तो क्लास नोट और पीवाईक्यू तो एक दिन लगता है, इससे ज्यादा नहीं आपको लगने वाला। तो देखो कितना सिंपली आप यूनिट 2 को 2, 2, 4, 4 और 4, 8, 9, 10 दिन में यूनिट जो आपकी 2 है इसको रिवाइज करते हैं। अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं तो आप इससे और भी कम कर सकते हैं, मैंने एक रफ आइडिया आपके सामने रखा है। नेक्स्ट आती है आपकी यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है क्वालिटेटिव ऑर्गेनो एनालिसिस। इस यूनिट में आपका यहाँ से एक पार्ट बनता है जिसका नाम होता है, इसको नाम पहले पार्ट बी देते हैं। पार्ट बी का मतलब होता है जिसके अंदर आप बात करोगे स्पेक्ट्रास्कोपी की। यहाँ आप स्पेक्ट्रास्कोपी की बात कर रहे हैं जिसमें यूवी स्पेक्ट्रास्कोपी है, IR है और NMR है। देखो इसको रिवाइज करने का सिर्फ और एक ही तरीका है, नो बुक, कोई किताब से मत पढ़ो, ओनली एंड ओनली क्लास नोट से पढ़े। अपनी क्लास नोट्स का इस्तेमाल करें, क्लास नोट्स में टीचर ने एग्जाम्पल, अगर टीचर ने आपको क्वेश्चन भी करवा रखे ना साथ में कि यूवी में लैम्डा मैक्स कैसे निकलता है या IR में वाइब्रेशंस, तो मोर देन सफिशियंट, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्लास नोट्स, ओनली एंड ओनली क्लास नोट्स। इसके बाद ये जो ऊपर वाला पोर्शन है भाई, आजकल यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गया है, तो पार्ट ए के लिए मैं आपको कहूँगी आप ना नोट्स ले लेना कहीं से भी, आप इसको ना नोट से पढ़ लेना, किताब से पढ़ोगे इतना बड़ा टॉपिक है, टाइम बहुत कंज्यूमिंग है, ओनली एंड ओनली नोट्स, मोर देन सफिशियंट। अपने नोट्स देख लो कहीं से भी मिल जाएंगे ऑर्गेनो, क्वालिटेटिव ऑर्गेनो एनालिसिस के। नेक्स्ट आता है नेचुरल प्रोडक्ट, बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, तो ये कहाँ से करेंगे, ये जो आपका पार्ट सी चैप्टर बन रहा है यहाँ पर इस यूनिट नंबर 3 में, पार्ट सी चैप्टर, ओनली एंड ओनली नोट्स, अपने क्लास के नोट्स लगाओ और साथ ही साथ अपने पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। इनमें आप पीवाईक्यूज भी लगा लेना साथ में बायोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि मेजर पोर्शन आता है, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट आती है लास्ट यूनिट, द यूनिट 4। यूनिट 4 में आपका एक चैप्टर आता है पार्ट ए,
दिस इज द पार्ट ए, और एक चैप्टर आता है पार्ट बी. देखो पार्ट ए जो चैप्टर उसमें लिख रखा है ना, मोनोबाइसाइक ट्राइसाइक्लिक एरोमेटिक विद वन हिट्रो एटम वगैरह वगैरह, यानी वो हमसे किसके बारे में बात कर रहा है. इसमें मैं ना दो चैप्टर बना देती हूँ, एक सेकेंड. एक मेरा बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, और एक मेरा बन जाएगा इसमें हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, मतलब मेरे दो चैप्टर इसमें बन जाते हैं. हिट्रोसाइक्लिक को करना है आपको बुक से, मैंने आपको बताया है सारी सिंथेसिस के साथ, क्लेडन बुक में आपको मेंशन कर दिया, दो चैप्टर हैं सिर्फ, बुक एंड शॉर्ट नोट्स, जो आपने बुक्स बना रखी है शॉर्ट नोट. और बुक से पहले ध्यान रहे कि क्लास नोट 100% रिवाइज होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा टाइम लगता है, बुक को समझने में आसानी आ जाती है अगर आप इससे पहले क्लास नोट्स को पढ़ रहे होंगे. एरोमेटिक के लिए ओनली एंड ओनली यूअर नोट्स एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जितनी भी आपने असाइनमेंट्स लगाई होंगी वो सारी, जितनी असाइनमेंट लगाई है इसमें, इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि यहाँ से कन्फर्मली क्वेश्चन आता है. हालांकि औरों में से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, पर कन्फर्मली क्वेश्चन यहाँ से बनेगा. नोट्स को रिवाइज करने में आधा घंटा लगता है एरोमेटिक के, और उसके बाद असाइनमेंट होगी, 10-12 असाइनमेंट सारी सॉल्व कर रखी होगी, उन्हें देखना है जिस क्वेश्चन के ऊपर इंपॉर्टेंट लिखा है तो वो करें. ये एक मतलब बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करने का. अब मैं छोटा सा आपको यहाँ पर टाइम टेबल शो करने जा रही हूँ. आपके पास एक है यूनिट वन, एक है यूनिट टू, और आपकी नेक्स्ट आती है यूनिट नंबर थ्री, और उसके बाद आती है यूनिट फोर. अभी आपका डाउट जो बनने वाला है कि कैसे स्टार्टअप करें, तो देखो यूनिट वन को अगर आप स्टार्ट करते हो, मान लो मंडे को, कोई भी आप मंडे पर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, मंडे से लेकर आपको क्या करना है, यूनिट वन को मंडे ट्यूसडे वेनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे तक आप इसको थर्सडे तक खत्म कर दें अपनी यूनिट वन में, जितना चैप्टर है यानी स्टीरियो एंड जीओसी दो दिन में खत्म. उसके बाद आप नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आएगी इसको आप फ्राइडे से स्टार्ट करें, फ्राइडे टू आप इसको करें बच्चा, फ्राइडे टू वेनेसडे तक, फ्राइडे टू वेनेसडे तक जो भी आपका वीक बनता है, फ्राइडे टू वेनेसडे में आप इसे खत्म कर सकते हैं. यूनिट जो आपकी थ्री आती है इसे आप करेंगे बच्चा थर्सडे से सैटरडे तक लगा लो, बस सैटरडे इज सफिशिएंट. यूनिट फोर जो आपकी आती है एरोमेटिक वाली, दिस इज संडे टू ट्यूसडे. आप देख सकते हैं कि कैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस खत्म हो सकता है, आप इससे कम टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और जब आपका एग्जाम होगा, ये मैंने एक रफली शेड्यूल दिया है, मेरे को नहीं पता आप कब से तैयारी करना चाहते हैं, अब आप देख लो कितना टाइम लगाना है बस हमें, ठीक है. जब आप एग्जाम की बात करोगे ना, जैसे आपका एग्जाम फेब में होता है, ठीक है, तो जब आप फेब में होंगे तो आपको क्या करना है, जैसे आपका मैं कोई डेट डिसाइड कर लेती हूँ रैंडमली, मैंने कहा कि आपको क्या करना है 8 फरवरी को आपका पेपर नहीं है, इसके बाद पेपर है, ठीक है, आफ्टर 8 इसका आपका पेपर होगा. तो आपने डिसाइड कर लिया उससे 2-3 दिन पहले एक डेट जिसमें आपको क्या करनी है, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर, इनके क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है. एक डे डिसाइड कर लेना, शॉर्ट नोट, और एक दिन में यूनिट वन के शॉर्ट नोट जो आपने बनाए हैं, यूनिट टू के जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, यूनिट थ्री के जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, यूनिट फोर के जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, उन सबको एक पर्टिकुलर दिन में, मैं बोल रही हूँ दिन में, मतलब क्या, जैसे सुबह बैठ गए आप 6 से 8 एक चैप्टर रिवाइज हो गया, ठीक है, यूनिट टू के लिए आपने बैठ गए 9 से 12 तक हो गया ये आपके चैप्टर 1 या 2 बजे तक, उसके बाद आप जैसे बैठे 4 से 5 ये वाली यूनिट होगी, 8 से 10 ये वाली यूनिट होगी, तो इस तरह से आपने अपना डेट डिसाइड कर लेना है एक दिन में ये पूरा यूनिट रिवाइज. उसके बाद पेपर से पहले जैसे एक दिन होता है तो आप जो भी रिलैक्स तो वैसे होता नहीं उस दिन, आप अपने जो क्लास नोट्स थे ना, आपके मेन नोट्स थे, उनको निकाल के बस उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वन बाय वन, मतलब उनको नॉर्मली पढ़ना स्टार्ट कर दो. हालांकि आपको याद होगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी उन्हें खत्म करना स्टार्ट कर देंगे. सो आई थिंक ये जो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया था ये आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. हालांकि मैंने बुक्स के लिए आपको बता दिया कि नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना बच्चों, ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है आपके लिए. उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अलियम केमिस्ट्री फॉर द अदर अपडेट. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए भी आपको जल्द मिलेगी अगर आप 50+ लाइक करते हैं. 50 से ज़्यादा अगर आप लाइक करते हो, इतना तो आप कर ही दोगे, 50 से ज़्यादा अगर आप लाइक कर देते हो मेरी वीडियो को, तो उसके एकदम बाद आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक की भी मिल जाएगी. सो थैंक यू सो मच.